नमस्कार, मैं मंजुषा पाटिल। ऋषि चैतन्य आश्रम का 25वां साल हम लोग मना रहे हैं और बहुत आनंद मिल रहा है इसमें। मैं आपसे गुरुवा का कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर सेवा करने के लिए, गायन सेवा करने के लिए आई थी, उस दिन का मैं क्या बताऊँ आपको। वो एक अलग डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे लिए था। मैं गा रही थी, कुछ भजन गा रही थी। पहले क्लासिकल गाया मैंने, ख्याल गाया, और सुबह का माहौल था। बगल में ही गुरु माँ बैठी थी, वो सुन रही थी, और उनके सामने मैं थोड़ा सा ऐसे देख कर गा रही थी। संगीत इस जीवन के लिए अगर माँ का आशीर्वाद मिलता है तो इससे ज्यादा क्या है। लेकिन जब कुछ भजन चल रहा था, क्या हो गया मेरे को पता नहीं, मेरे आंखों से पानी आ रहा था। और ऐसे में गाती रही और वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट किया, वो प्रोग्राम खत्म हो गया। और उसके बाद मैं झट से ऐसे भाग कर गुरु माँ के चरणों में गई, और गुरु माँ के यहाँ जाकर पता नहीं मैं एकदम से रोने लगी, और मुझे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये गुरु माँ का है, ये गुरु माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। उस दिन उन्होंने अपने हाथों से निकाल कर ये मेरे हाथ में डाला है, और ये जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल गया है, ये मेरे साथ 24 घंटा रहता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। ऋषि चैतन्य आश्रम के 25वें साल के लिए मैं सबको, मेरे जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम।